अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब YouTube पे आप अपनी वीडियो को बूस्ट कराते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, पहले आप रिजल्ट देख लें। यहाँ पे ये देखें, आपके सामने मेरी वीडियो पे व्यूज रुक चुके थे, फिर मैंने क्या किया, वीडियो को बूस्ट किया। जैसे ही बूस्ट किया, व्यूज का ग्राफ अप होना स्टार्ट हुआ, ये ऊपर चलता गया। तो इस तरह मेरी वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट हो गए। और ये वीडियो पे व्यूज आते कैसे हैं, जैसे कोई बंदा यूट्यूब ओपन करता है तो होम पेज पे सबसे ऊपर आपकी वीडियो आना स्टार्ट हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि आपने अपनी वीडियो को बूस्ट किया होता है। तो इस तरह बूस्ट करने से व्यूज आते हैं। अब बात आती है कि आपको वीडियो को बूस्ट कब करना होता है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, जैसे आपने वीडियो अपलोड की, आपके वीडियो पे ज्यादा व्यूज नहीं आए। पहले आपकी वीडियो पे व्यूज आ जाते थे 100, 200, 500, 1000 या जितने भी, लेकिन आज आपने वीडियो अपलोड की, आपकी वीडियो पे व्यूज है 20, 30, 50, इससे ज्यादा व्यूज बढ़े ही नहीं। तो इस वीडियो को किस चीज की जरूरत है, बूस्ट की जरूरत है। जी हाँ, आप इस वीडियो को बूस्ट करके व्यूज बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब आपकी वीडियो पे व्यूज आ रहे होते हैं, आपने वीडियो अपलोड की, आपकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ गए, 2000, 3000, 5000 या जितने भी, उसके बाद क्या होता है, आपकी वीडियो रुक जाती है, आपकी वीडियो पे व्यूज आना बंद हो जाते हैं। तब आपने क्या करना होता है, उस वीडियो को भी बूस्ट करना होता है। अगर आप उस वीडियो को बूस्ट करेंगे तो आपकी वीडियो दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। तो इन कंडीशंस में आपने अपनी वीडियो को बूस्ट कराना होता है। अब बात आती है कि आपने वीडियो को बूस्ट कैसे कराना है, वीडियो को बूस्ट कराने का सही तरीका क्या है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, वही तरीका आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये कल के हमारी वीडियो के विनर हैं। आप इनके चैनल को सपोर्ट करें, इनके चैनल का लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया है। और अगर इसी तरह आप भी अपने चैनल की प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आपने करना यह है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अगर आप विनर आएंगे तो आपके चैनल की प्रमोशन मैं बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, जिस वीडियो को आपने बूस्ट करना है, आपने क्या करना है, YT स्टूडियो में जाके उस वीडियो को ओपन कर लेना है। तो ये देखें, आपके सामने मैंने एक वीडियो को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे ये देखें, इस वीडियो की रैंकिंग क्या है, 9 of 10। तो इस वीडियो को अशद जरूरत है बूस्ट करने की। और नीचे आप देखें, व्यूज कम, CTR कम, लेकिन AVD ज्यादा आ रहा है, लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यानी कि मेरी वीडियो अच्छी है। जो वीडियो के अंदर मैंने बताया है वो ठीक है, सिर्फ CTR ठीक नहीं आ रहा और इसकी रैंकिंग ठीक नहीं है। तो इसको अब बूस्ट कैसे करना है, सबसे पहला काम आपने यही करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट क्या है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। आपने क्या करना है, इसका थंबनेल चेंज करना है, अच्छा सा आपने एक थंबनेल बना लेना है। थंबनेल आपने बना लिया, अब आपने जो दूसरा काम करना है उसके लिए क्या करना है, आपने आ जाना है YouTube पे। ये देखें, आपके सामने YouTube ओपन है। ये जो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने तब लगाना है जैसे आज आपने वीडियो अपलोड की, कल तक उस पर कोई खास व्यूज नहीं आए। तो फौरन से ये तरीका आपने अप्लाई करना है और उस वीडियो को बूस्ट करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है जो भी आपकी वीडियो का टाइटल हो। आपने कुकिंग पे वीडियो बनाई है, आपने फैशन के रिलेटेड बनाई है, आर्ट क्राफ्ट, जो भी है, तो आपने अपनी वीडियो का टाइटल यहां पे आके सर्च करना है। ये देखिए, अब मैं यहां पे सर्च करता हूं, जो मेरी वीडियो का टाइटल था वो क्या था, चैनल कैसे बनाएं। ये मैंने आपके सामने सर्च किया और यहां पे वीडियोस आ चुकी हैं। तो ये सबसे टॉप पे वीडियो है, 2 हफ्ते पहले अपलोड हुई, इस पे 1.1 मिलियन व्यूज है, यानी कि इस वीडियो की रैंकिंग अच्छी है। अब नीचे वाली वीडियो देखें, इस पे भी 1,85,000 व्यूज आ रहे हैं और नीचे वाली पे भी 88,000। तो आपने क्या करना है, ये जो टॉप पे 3 वीडियोज आ रही हैं, जो आपने अपनी वीडियो का टाइटल सर्च किया, जो भी आपकी वीडियो थी, तो टॉप पे जो आपको 3 वीडियोज मिले, आपने क्या करना है, उनके जो टाइटल्स हैं, इनके टाइटल हमने कॉपी करने हैं। कॉपी करके अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लगाने हैं, अपने टाइटल के नीचे या कीवर्ड्स में जाके, जो हम ऑडियंस सर्चेस के नीचे लगाते हैं वहां पे जाके आपने लगाना है। बस सिर्फ आपने यही 2 काम करने हैं। एक आपने क्या किया, 3 वीडियो के टाइटल्स लिए, डिस्क्रिप्शन में अपने टाइटल के नीचे या ऑडियंस सर्चेस के नीचे आपने लगा दिए। दूसरा क्या किया, आपने थंबनेल चेंज कर दिया। तो जैसे ही आप ये काम करते हैं तो देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस किया है, उनको अच्छा खासा रिजल्ट मिला है। तो ये हो गया पहला तरीका। अब मैं आपको बताऊं दूसरा तरीका, कि आपकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे और अचानक से आपकी वीडियो रुक गई,
तो उसको आपने कैसे बूस्ट कराना है, तो उसके लिए दोबारा आ जाते हैं यूट्यूब पे। तो आपने यूट्यूब पे नहीं YT स्टूडियो में उस वीडियो को ओपन कर लेना है। तो ये देखें, जैसे मैंने वीडियो को ओपन कर लिया है, अब यहां से आपने क्या करना है, नीचे आना है, वीडियो परफॉर्मेंस पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखें, मैंने वीडियो परफॉर्मेंस पे क्लिक कर दिया। तो यहां पे आने के बाद मैं रीच पे क्लिक करता हूं। तो सबसे पहले आप देखें इंप्रेशन, कि हमारी वीडियो के इंप्रेशन ही नहीं गए, सिर्फ 56,000 इंप्रेशन गए हैं। तो हमने वीडियो को बूस्ट करा के इंप्रेशन बढ़ाने हैं और वीडियो पे व्यूज लाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं। यहाँ पे ये देखे, आपको ऑप्शन दिखाई देता है कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने यहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोस शो हो जाती हैं। तो आप भी अपनी वीडियो पे जाके देखिएगा, जिस वीडियो पे आपके व्यूज आए, बाद में उस वीडियो पे व्यूज रुक गए, तो यहाँ पे आपने आना कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो, यहाँ से आपने अपनी वीडियो को बूस्ट कराना है। तो कैसे कराना है ये देखें। तो इस पेज पे काफी वीडियोस मिलती हैं, लेकिन आपने वो वीडियो देखनी है जो आपकी वीडियो के बिल्कुल रिलेटेड हो, जिस तरह की आपकी वीडियो। ये देखें, अब यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रही है 2024 में यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। अब मेरी वीडियो भी क्या थी, चैनल कैसे बनाएं, मैं इस वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपके सामने वीडियो ओपन हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे देखें ये मोर वाला ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करता हूं। तो अब आपके सामने पूरा टाइटल आ चुका है। तो मैं क्या करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो ये देखें, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहां से बैक आ जाते हैं, आपके सामने एक एप्लीकेशन है टेक्स्ट स्नैप, मैं इस पे क्लिक करता हूं। यहां पे मैं गैलरी पे क्लिक करता हूं, ये मैं स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करता हूं, ये देखें आ चुका है। अब सिर्फ मैंने क्या करना है, इस वीडियो का टाइटल लेना है। ये टाइटल मैं यहां से क्रॉप करता हूं, ये देखें ये आपके सामने क्रॉप हो चुका है। ऊपर आपको क्रॉप का ऑप्शन दिखाई देता है, मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। तो ये एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। अब ऊपर आपको कॉपी का ऑप्शन दिखाई देता है, मैं यहां पे क्लिक करता हूं और इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद अब मैं अपनी वीडियो के अंदर आ जाता हूं। यहां पे ये देखें वीडियो ओपन है, मैं डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करता हूं और अपने टाइटल के नीचे उसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखें, मैंने आपके सामने पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद यहां से मैं बैक आ जाता हूं। अब यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वीडियो परफॉर्मेंस का, मैं यहां पे क्लिक करता हूं और रीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है YouTube सर्च टर्म्स, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। तो यहां पे ये देखें, आपको काफी ज्यादा कीवर्ड्स मिल जाते हैं, वो कीवर्ड्स मिल रहे हैं जिस तरह की आपकी वीडियो है। YouTube आपको यहां पे ये बता रहा है कि लोग इस तरह से सर्च कर रहे हैं, जिस तरह की आपने वीडियो बनाई है उसके रिलेटेड जो लोग सर्च कर रहे हैं इन कीवर्ड से कर रहे हैं। ये देखें, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, काफी ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ये देखें, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, नीचे स्क्रॉल किया, दोबारा स्क्रीनशॉट लिया, नीचे स्क्रॉल किया, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लिया। तो सारे कीवर्ड्स का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इन कीवर्ड से हमने क्या करना है, अपनी वीडियो को बूस्ट कराना है, क्योंकि लोग इन कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं। तो हमने इनके स्क्रीनशॉट ले लिए, यहां से बैक आ जाते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाते हैं। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ऑडियंस सर्चेस वाला ऑप्शन, इसके नीचे हम उन कीवर्ड्स को पेस्ट कर देते हैं जिनका भी हमने स्क्रीनशॉट लिया था। ये देखें, मैंने पेस्ट कर दिए। अब आप कहेंगे कि हमने इनको कॉपी तो नहीं किया था, हमने स्क्रीनशॉट लिया था, फिर ये कैसे यहाँ पे आ गए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ से बैक आते हैं, ये वही टेक्स्ट स्नैप है, मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से क्रॉप किया, ऊपर क्रॉप पे क्लिक कर दिया। तो ये सारे एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। अब मैंने कॉपी पे क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक करने के बाद दोबारा डिस्क्रिप्शन में आके मैंने पेस्ट कर दिए। तो इस तरह आपने पेस्ट करते जाने हैं। तो ये सारे कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं, जो हमने स्क्रीनशॉट लिए थे, जो YouTube ने हमें बताए थे कि लोग इस तरह सर्च कर रहे हैं। अब इनका दोबारा हमने क्या करना है, इनको वन बाय वन यहाँ से हमने कॉपी करना है। कोई 5 से 6 कीवर्ड यहाँ से आपने कॉपी करने हैं। ये देखे, मैंने कॉपी किया, एक नीचे आ गया मोर ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, टैग्स लगे हुए हैं। अब यहाँ से आपने 5 से 6 जो टैग्स हैं उनको रिमूव कर देना है और नए वाले टैग्स कीवर्ड जो अभी हमने YT स्टूडियो से लिए थे, जिसको अभी मैंने कॉपी किया, यहाँ पे क्या करते हैं उसको, अब नीचे यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये टैग बन चुका है। दोबारा यहाँ से बैक आते हैं, दोबारा टैग हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके टैग्स में पेस्ट कर दिया। तो इस तरह आपने कॉपी करते जाने हैं 5 से 6 और टैग्स में आपने लगा देने हैं। अब आपने टैग से बैक आना है, टाइटल में सिर्फ थोड़ा सा आपने चेंजिंग करनी है। ये देखें, जैसे मैंने 2024 लिख दिया, थोड़ा सा टाइटल भी चेंज कर दिया, अपनी डिस्क्रिप्शन भी, अपने टैग्स भी, SEO दोबारा से हमने कर ली जो YouTube हमें रेकमेंड कर रहा था। दूसरा काम क्या, वो वीडियो जो हमें सजेशन में मिल रही थी उसका टाइटल भी हमने कॉपी करके अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया। और तीसरा काम हमने क्या करना है, इसका थंबनेल भी चेंज कर देना है। तो अब ये जो मेरी वीडियो है इसका सिर्फ मैंने थंबनेल बनवाना है,
बाकी इसके SEO मैंने आपके सामने दोबारा से कर दिया है कि वीडियो को बूस्ट कैसे कराया जाता है। तो वीडियो को बूस्ट कराने के लिए 2 से 3 काम आपने ये ऐसे कर लिए है और वीडियो को दोबारा से आपने पब्लिक कर देना है। जैसे आप वीडियो को पब्लिक कर दें, नेक्स्ट आपने एक काम करना है, आपने क्या करना है, यहाँ से बैक आना है, अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाना है, वहां से उस वीडियो का आपने लिंक कॉपी करना है जिसको अभी आपने बूस्ट किया है। ये देखें, मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और कॉपी लिंक पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारे पास लिंक आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर स्क्रॉल करते हैं और कम्युनिटी में आ जाते हैं। कम्युनिटी में आके शेयर एन इमेज टू स्टार्ट ए कैप्शन कंटेस्ट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उस लिंक को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर कुछ लिखना होगा कि इस वीडियो को लाजमी से वाच करें या ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, जो भी लिखना होगा वो भी ऊपर लिख दें और लिंक भी पेस्ट कर दें। लिंक पेस्ट करने के बाद क्या कर देना है, पोस्ट कर देनी है, तो वही वीडियो जिसको आपने बूस्ट किया था तो वो दोबारा आपके सब्सक्राइबर के सामने शो होगी और YouTube क्या करेगा, आपकी वीडियो को होम पेज पे शो कराएगा। अभी इस वीडियो को मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने इसका थंबनेल अभी चेंज करना है। बाकी आपने भी थंबनेल चेंज करके बाकी काम करके अपनी कम्युनिटी में वीडियो को शेयर कर देना है। तो दोस्तों, जब इस तरीके से आप अपनी वीडियो को बूस्ट करेंगे तो देखिएगा इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी वीडियो पे व्यूज रुक जाते हैं या स्टार्टिंग से ही व्यूज नहीं आते, तो यही 2 तरीके आप अपने वीडियोस पे यूज करें। तो उम्मीद है कि आप इन तरीकों का यूज करके काफी फायदा उठाएंगे। तो इसी के साथ, अगर आज की मेरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।